दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत सुंदर सा नेक डिजाइन बनाना सिखा रहा हूँ। ये डिजाइन आप कुर्ती में या सूट में किसी में बना सकते हैं। तो इस डिजाइन को बनाने के लिए हमने ये बुकरम ली है, लगभग ये 5 यानी कि 10 इंच चौड़ी बुकरम है। तो इस पे हम गले की ड्राइंग करेंगे। तो हमारी डिपनेस, हमारी ब्रॉडनेस से पहले तो इसकी ब्रॉडनेस नाप लेते हैं। 5.5 इंच में रखता हूँ। हम इसको 7 इंच डीप में बनाएंगे। ये फ्रंट में बन रहा है तो हम 7.5 पे निशान लगाएंगे। यहां से भी ये 2.75 पर, और इसका एक डब्बा बना लेंगे और फिर इसके बीच में हम ड्राइंग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम ड्राइंग कर लेते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स ये हमारी ड्राइंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। और इसकी मैं यहां से बता देता हूं, ये मैंने यहां पे 1.25 इंच रखा है, यानी कि यहां से ये खुल के 1.5 इंच हो जाएगा। और इसकी यहां से हमने 1 इंच, ये वाला पैच 1 इंच का है, ये 1.25 इंच का है, और बाकी ये इस शेप में आपने ये काट लेना है। आपने देख लिया है ये। तो फ्रेंड्स हमारा ये नेक कट चुका है। अब हमने इनको पेपर फिल्स पे चिपका लेना है। ये हमारे पैटर्न के तौर पे हो गए हैं कि ये पैटर्न का काम करेंगे। ये पैच भी हमारे पैटर्न का काम करेंगे। ये नेक हम कपड़े पे पलटेंगे। तो ये हमने कपड़े लिए हैं, ये रेड कलर का और ये क्रीम कलर का। तो इनसे हम इस पे पाइपिंग लगाएंगे डबल करके, और इसके हम पैच लेंगे बीच में। ये प्रिंटेड चंदेरी ब्रोकेट का कपड़ा है, इसके हम ये पैच चिपकाएंगे पेपर फ्यूज पर। और इस सूट पे दोस्तों हम ये बनाना आपको सिखाएंगे। ये मैंने पहले ही कटिंग की करके रखा हुआ है, तो इस पर मैं ये बनाना सिखाऊंगा। तो चलिए हम इसका पेपर फ्यूज का पैच चिपका लेते हैं इस कपड़े पर। तो फ्रेंड्स ये हमारे सारे पैच चिपक चुके हैं। अब हम चलते हैं मशीन पर और इनकी स्टिचिंग करते हैं। हाँ तो दोस्तों ये कपड़ा, इस पे हम इस गले को लगा के सिलेंगे।
उससे पहले हमें क्या करना है, जो ये पैच हमारा निकला था इससे हमें यहाँ पे निशान लगाना है। ये निशान लगा लेना है और फिर जो दूसरे पैच थे वो इससे बाहर निकले थे, ये इससे दूसरे पैच हैं, फिर यहाँ पे निशान लगा लेना है इस तरफ से। यानी कि ये निशान इसलिए हैं हमें पता लग जाए कि गले की ब्रॉडनेस कितनी है, ताकि ये पैच लगने के बाद गला फिट परफेक्ट उतना ही आ जाए जितना कि हमें चाहिए और जितना हमने ये काटा है। तो चलिए हम इसको सिल लेते हैं। तो ये हमारा गला बुकरम लग चुकी है इस पे, अब हम इसका सेंटर कर लेंगे। सेंटर हो चुका है, अब हम इस पे इसको सूट पे लगा लेंगे। तो ये नेक हमारा बुकरम से इस पे लग के तैयार हो चुका है, अब हम इस पे पाइपिंग निकालेंगे जो कि मैंने पहले तैयार की हुई है। ये है पाइपिंग, ये मैं डबल पाइपिंग निकालूंगा इसमें, ये मैंने बना के पहले रखी हुई है। और अगर ये पाइपिंग आपको बनानी सीखनी है तो एक वीडियो बनाई हुई है मैंने, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पे जाके क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं कि ये पाइपिंग बना के किस तरह से नेक पे लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम ये पाइपिंग इस नेक पे लगाएंगे। तो ये पाइपिंग लगा लेते हैं हम। पाइपिंग किस प्रकार से लगानी है, इस प्रकार से पाइपिंग लगानी है हमने। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको लगाते हैं।
तो ये हमारी पाइपिंग निकल चुकी है दोस्तों, बहुत ही सुंदर लग रही है, आप देख सकते हैं इसको। तो अब हम इसको रख देते हैं और हम करते हैं पैच की तैयारी। अब हम पैच को पलटते हैं जो इसके अंदर लगे हैं। तो दोस्तों ये पैच है, इन पे हमने निशान लगा लिया था। ये जो अंदर की साइड है ये वाला, इससे हमको इस पैच को पलटना है। इन दोनों ही पैचों को आमने सामने जिस तरह से ये रखे हुए हैं, इस तरह से ही अंदर का जो निशान है इसके नीचे कपड़ा रख के और हमने सिलाई लगा के फिर इसको पलट देना है, तो हमारे ये दोनों पैच रेडी हो जाएंगे। तो ये हमारे दोनों पैच बिल्कुल सेट हो चुके हैं। अब इसके अकॉर्डिंग, ये जो हमारे पैच थे इनके अकॉर्डिंग हम इन पे सिलाई लगा लेंगे कि कितना हमें चाहिए। तो बिल्कुल सेम इन पैचों के नाप से ही हमने इनको रखना है। तो इन पैच के बराबर हमने सिलाई लगा के इन दोनों पैचों को हमने हटा दिया है, बिल्कुल इनके बराबर हमने सिलाई लगा दी है। तो अब हम फालतू का जो मार्जिन है, जो एक्स्ट्रा मार्जिन है, उसको हम काट लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये दोनों पैच हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हमने इनका जो बीच का पैच था ये वाला, ये भी हमने तैयार कर लेना है, इस पे भी सिलाई लगा के हमने पलट देना है। तो चलिए इसको पलट देते हैं। इसका जो ओरिजिनल पैच है ये वाला, इसको रख के हम इसके अकॉर्डिंग इस पे सिलाई लगा देंगे। तो दोस्तों हमारे ये तीनों ही पैच रेडी हो चुके हैं। दो हमारे ये पैच हैं और एक ये, इन तीनों को मिलाकर हमने एक ये पूरा डिजाइन तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले हम इन पे भी पाइपिंग निकाल देते हैं, उसके बाद हम इनको जोड़ेंगे, तब ये हमारा डिजाइन कंप्लीट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इन पे पाइपिंग निकाल देते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारे तीनों ही पैचों पर पाइपिंग निकल चुकी है। ठीक है, अब हमने इनको जोड़ देना है। तो ये पैच हमारा बन चुका है। अब हमने इसको गले में लगाना है, देख सकते हैं आप सुंदर लग रहा है। फ्रेंड्स एक और बात, ये जो मार्जिन आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, यहां पे आप इंटरलॉक भी लगा सकते हैं ताकि बाद में इसमें धागे ना निकले। मैं तो जब भी डिजाइन बनाता हूं तो मैं यहां पे इंटरलॉक जरूर लगाता हूं, ये ताकि कस्टमर को भी बाद में प्रॉब्लम ना हो। मेरी शॉप पर जितने भी डिजाइन बनते हैं मेरे बुटीक में, मैं यहां पे सब पे इंटरलॉक लगवाता हूं। तो आप भी अगर ये डिजाइन बनाएं तो यहां पे इंटरलॉक जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसको लगा लेते हैं गले में।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये डिजाइन कितना सुंदर बन चुका है, बिल्कुल एकदम सही से इसके पैच भी बहुत ही अच्छे सेटिंग से बैठ गए हैं, तो बड़ा ही सुंदर लग रहा है। अभी मैं इसको और भी हाईलाइट करूंगा मोती से, यहाँ पे मैं मोती लगा सकता हूँ ताकि ये और भी सुंदर बने। और कैसा लगा आपको ये डिजाइन प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप चाहते हैं कि आपको फ्यूचर में ऐसी वीडियो और मिलती रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को भी दबा देना। बेल आइकन दबाने से होगा ये कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।